हाय गाइस, दिस इज अन्वेषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए कम अप विद अ वेरी रियलिस्टिक एंड अ नेचुरल 5 मिनट्स डे ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। सो आई हैव टू गो टू अ वेरी फैंसी प्लेस फॉर लंच विद माय हस्बैंड एंड मेरे पास 5 मिनट्स है एंड आई हैव टू चेंज दिस फेस इनटू अ डिसेंटली ग्लैम फेस। आई नो हम औरतों के पास बहुत काम होती है कहीं जाने से पहले एंड यूजुअली इट्स होप्ड दैट वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्रेस अप, बट द रियलिटी इज कि हमेशा टाइम कम ही होती है। बट आपको मन होता है फैंसी जगह जाने के लिए, अच्छा दिखे, थोड़ा सा मेकअप करे, स्पॉट्स हाइड करे, बट आपको बस 5 मिनट चाहिए इस थोबरे से यहाँ तक पहुँचने के लिए। यस, ये काफ़ी ड्यूरेबल ईजी है, 5 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगी और आप देखते रहिए इस लुक को कैसे अचीव करें विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहले मैंने नहाने के बाद एक्चुअली अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया था पहले ही, और अब मैंने अपना मैक ट्रिप एंड प्राइम प्राइमर यूज कर ली पूरे फेस में अच्छे से। किसी भी अगर ग्लैमरस पार्टी या रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाते हो तो हम सबको मन होता है कि थोड़ा सा यार स्पॉट्स और पिंपल्स और जो भी तरफ स्किन फ्लॉलेस लगे थोड़ा अच्छा लगे। टाइम के लिए ना और लॉट ऑफ टाइम्स वी जस्ट कीप इट, आई नो, बट मैं दिखा रही हूँ आप कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो। मैंने अपना मैक प्रोलॉन्ग वेयर कंसीलर लिया, उसका एक पंप लेके हर एक स्पॉट्स और जहाँ जहाँ मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहाँ पर मैं ऐसे डैबिंग मोशन में इसको लगा रही हूँ। एंड आई स्वेयर गाइस, ये मैक प्रोलॉन्ग वेयर जो है ना मेरे स्किन के लिए इट्स लाइक अ ड्रीम। एक पंप से मेरी हर एक प्रॉब्लम ढक जाती है, लाइक ये बहुत क्रीमी होती है, बहुत मॉइस्चराइजिंग होती है और बहुत हैवी कवरेज है। सो वन पंप और मे बी टू दस एंटायर जॉब। और मैंने इसको थोड़ा सा अपने नीचे नेक पे एक्सटेंड किया, फिर कॉम्पैक्ट लेके एग्जैक्टली थोप रही हूँ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरियाज होती है वहाँ पर हमेशा कॉम्पैक्ट कैप करें, नेवर ड्रैग इट देयर, और जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं है वहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हो। अब मैं अपने क्रूड सिंह के टाइप आईब्रोज को शेप कर रही हूँ। थैंक गॉड ये इसमें मुझे कभी टाइम ज़्यादा नहीं लगती है जब मैं हरी में हूँ। तो इसके बाद मैं एक ऐसे रोज गोल्ड शेड कलर पॉप कॉस्मेटिक से आई शेडो ले रही हूँ, क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो पूरे आईलिड एरिया में मैं इसको डैप करूँगी अपने फिंगर से और फटाफट कर रही हूँ। ब्रशेस की यूज़ होती नहीं है जब आप खड़ी में होते हैं, ये आपको पता ही होगा। फिर मैं क्या कर रही हूँ, अपने दूसरे क्लीन फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ एजेस के वहाँ पर, ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे, एक हल्का सा शेडोई स्मोक की इफेक्ट मिले। और मैं दूसरे आँख में भी सेम चीज़ कर रही हूँ, पहले आई शेडो को डैप कर रही हूँ और फिर मैं अपने क्लीन फिंगर से उसको ब्लेंड करूँ। इस वक्त मेरे पास ऑलरेडी उस हफ्ते एक वार्निंग आ गई कि जल्दी चलो क्योंकि बहुत देर से वो वेट कर रहा है और मैंने एज यूजुअल काम कर रही थी तो मैं लेट हो गई थी। हम सच में बहुत लेट हो रहे थे, हमारी रिजर्वेशन 1 बजे की थी और ऑलमोस्ट बहुत देर हो गई थी ऑलरेडी। तो अब ये मत जरूर ध्यान रखें कि ऐसे आई शेडो ब्लेंड करते वक्त जब आप जल्दबाजी में होते हो तो मिस्टेक्स होगी ही होगी, मतलब क्योंकि हम मेकअप प्रोज नहीं है ना, और जल्दी जब करते हैं तो थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। तो हमेशा कोई टिश्यू हैंडी रखें या फिर आप अपने कोई क्लीन फिंगर से सारे मेस को क्लियर आउट कर दें। फिर मैं ऑब्वियसली लोअर वाटर लाइन में काजल लगा रही हूँ अपना, और इसको मैं अच्छे से स्मच करूँगी ताकि एक अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आए। अगर आप आईलाइनर लगाने में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, तो बेशक आईलाइनर लगाइए। मुझे आईलाइनर लगाने के लिए अलग से 10 मिनट चाहिए, तो आईलाइनर इज जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी इन दिस केस। और मैं इसको स्मच कर रही हूँ ताकि ये अच्छा लगे। और मेरे ये एस्टी लॉडर की काजल है और जिसके साथ स्मजर भी फ्री आता है पीछे में, लाइक द बैक साइड हैव स्मज। तो ये रही मेरी आई मेकअप डन। ये और लास्ट फिनिशिंग के लिए ग्लैमरस पार्टी है, अच्छी जगह जा रहे हो आप, हाईलाइटर बिल्कुल ना भूलें। चाहे कितनी भी जल्दी में हो, कोई आपको खींच रहा हो घर से, हाईलाइटर ज़रूर यूज़ करें। इससे चेहरे की जो चमक और जो रौनक आती है, वाह वाह, इट्स लाइक कल्याण ज्वेलर्स जस्ट शाइनिंग लाइक अ डायमंड। आई मीन दिस मेरी ल्यूमिनाइजर इज अमेजिंग। मेरे पास पैक का भी है, वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो तो टॉर्च बॉल की तरह ग्लो कर गए जो पैक का है मेरे पास। उसके बाद मैंने एक डार्क लिप भी लगा लिया, इट्स फ्लैट आउट फैबुलस फ्रॉम मैक। नाउ द स्टार ऑफ द शो इज द ब्लू मस्कारा। आई एम नॉट किडिंग गाइस, बहनों, ये एक मस्कारा है जो आपकी पूरी लुक का चेंज एक अलग ही डायमेंशन में लेके जाएगा आपकी लुक को। मैंने एक क्लोजअप दिया है इस वीडियो पे, आप इसको देखिए, एंजॉय करें और आप समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो
क्या करें, सी द डिफरेंस इन दिस टू आई लैशेज, इसमें देखिए और इसमें देखिए स्टार्क डिफरेंस है. इट जस्ट गिव्स योर लुक अ डिफरेंट लुक ऑल टुगेदर, लाइक इट्स अमेजिंग दिस ग्लो. यू शुड बाय दिस ब्लू मस्कारा फ्रॉम लैक्मे, इट जस्ट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक ऑल टुगेदर. एंड आई एम सो हैप्पी कि आई परचेज दिस मस्कारा, आई थिंक दिस द बेस्ट मस्कारा आई गॉट. उसके बाद मैंने झुमके लगा लिए और बाल मैंने कोम कर लिया और लिपस्टिक मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही थी तो आई टैप्ड आउट द एक्सेस इन अ टिश्यू पेपर एंड या दैट्स इट, माय लुक इज डन. आई डिड ऑल ऑफ दिस इन 5 मिनट्स. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड एवरीथिंग इन 7 मिनट्स. और थोड़ा सा बस पोज कर ही रही थी कि उत्सव आ गया सर पे और कह रहा कि निकलो निकलो. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें नीचे आपको कैसा लगा. और 5 मिनट में ज़रूर कर सकते हो आप इस लुक को दोस्तों. बाय.